नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल ब्लेसिंग चैनल में। बर्बल जी के ट्रिक का ये 24वां पार्ट है और आज की वीडियो में क्या खास है, आज की वीडियो में जो जीके होगी ये टेक्सटाइल इंस्पेक्टर में जो पूछी गई है इसके जीके हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो कहाँ पर है विदाउट ऑप्शन करने की कोशिश करेंगे ताकि ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए। तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है, यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। तो यूनिसेफ के ऊपर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे क्योंकि इसमें हम फटाफट जीके करने की कोशिश करेंगे कि उसमें ये बताया जाएगा कि यूनिसेफ रियल में है क्या। तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क, और याद कैसे करें कि क्या इसके देखते हैं, तो UNICEF यूनिसेफ, तो NI को देखें यदि हम स्टार्टिंग में, तो NI नी ऐसे हम करके कर सकते हैं, या यू स्टार्टिंग में देखें तो NI न्यू और यू न्यू न्यू न्यूयॉर्क ऐसे करके कोडबद्ध कर सकते हैं, लिख कर सकते हैं कि इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। उसके बाद आता है कि एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य कौन से काल के हैं, वो है राष्ट्रकूट काल के हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई, तो सिकंदर की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में हुई थी। तो याद कैसे करें उस पर आ जाते हैं, छोटी सी लाइन बना लेते हैं सिकंदर, तो हम देखें सिकंदर में स्टार्टिंग में क्या आता है, सिख एस सिख और लास्ट में दर, तो हम सिख बोल देते हैं, सिख मतलब बीमार अस्वस्थ, तो हम ऐसे ही इसको याद करने की कोशिश कर सकते हैं। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई, बेबीलोन में हुई, हमें याद क्या करना है सिकंदर की मृत्यु और बेबीलोन, तो देखें कि सिख पड़ गया सिकंदर, हम ऐसे कर लेते हैं सिख पड़ गया सिकंदर, जब सिख यहाँ पर सिकंदर को डिनोट करता है, लेकिन हम दोबारा सिकंदर यूज करके और पक्का कर सकते हैं, सिख पड़ गया सिकंदर जब दर बढ़ गई, दर मतलब सिकंदर में लास्ट में दर आता है, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि सिख पड़ गया सिकंदर जब दर बढ़ गई, बेबी ने लोन लिया था उसकी, जब बेबी ने लोन लिया उसकी, ऐसे करके हम याद कर सकते हैं, बेबी मतलब बेबी और लोन लोन ऐसे करके कोडबद्ध कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि सात महान का संबंध कहाँ से है, कौन से राज्य से है, सात वाहन का संबंध है आंध्र प्रदेश। सात वाहन से आपको एक चीज और याद आई हो कि शीशे की जो मुद्रा किसने चलाई थी, सात वाहन ने चलाई थी सर। और आंध्र प्रदेश से आपको और भी कुछ याद आया हुआ हो गया होगा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको करवाया भी था कि कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ पर कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का, याद कैसे किया था कि कच्ची पूड़ी खाकर अंधे डांस करने लगे, नृत्य करने लगे, तो मतलब कच्ची पूड़ी मतलब कुचिपुड़ी और अंधे मतलब आंध्र प्रदेश को नोट करता है। फिर मैंने एक क्वेश्चन और करवाया था आपको कि आंध्र प्रदेश को अंडे की टोकरी भी कहा जाता है, तो मैंने फिर उसमें एक लाइन जोड़ दी थी आपको याद हो तो कि अंधे कच्ची पूड़ी, अंधे अंडे की टोकरी में से कच्ची पूड़ी खाकर नृत्य करने लगी, अंधे अंडे की टोकरी में से कच्ची पूड़ी उठाकर नृत्य करने लगे, मतलब आंध्र प्रदेश को अंडे की टोकरी भी कहा जाता है और कुचिपुड़ी वहाँ का नृत्य है, ऐसे करके हमने याद किया था। और सात वाहन का संबंध कहाँ से है, आंध्र प्रदेश से, लेकिन हमें सात वाहन को याद करना है तो हम फिर एक छोटी सी लाइन बना सकते हैं कि अंधे लोग हैं, अंधे सात वाहन लेकर उड़ गए इस प्रदेश से, हमें इतना ही याद रखना है कि अंधे सात वाहन लेकर उड़ गए इस प्रदेश से, मतलब अंधे और प्रदेश देखे तो आंध्र प्रदेश, या अंधे को हम आंधे हम ऐसे करके याद कर सकते हैं, और सात वाहन को डिनोट करता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि कानपुर में हुए 1857 के विद्रोह में, तो 1800 कानपुर में जो 1857 में विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था, वो किया था नाना साहिब ने किया था। अब हम याद कैसे करें उस पर आ जाते हैं कि कान पकड़े पूरे नाना जी, हम ऐसे कर लेते हैं, हाँ कान पकड़े पूरे नाना जी इस साहब, हाँ नाना ऐसे याद कर लेते हैं, कान पकड़े पूरे नाना जी इस साहब का मैं कभी विद्रोह नहीं करूंगा, कान पकड़े नाना जी इस साहब का मैं कभी विद्रोह नहीं करूंगा। अब देखते हैं कि कान पकड़े पूरे नाना जी है, सॉरी, तो हम ऐसे कर सकते हैं कान और पूरे मतलब पूर्व,
कानपुर 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 को डिनोट करता है, और कान पकड़े पकड़े ही पूरे नाना जी, मतलब नाना जी इस साहब, मतलब नाना साहब ने उनका नेतृत्व किया गया था। तो कभी विद्रोह नहीं करूँगा, मतलब 1857 में विद्रोह से इसको डिकोड कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि सार्क का पहला अध्यक्ष कौन था, सार्क जो सम्मेलन हम पढ़ते हैं दक्सेस भी कहा जाता है, तो सार्क सम्मेलन का पहला अध्यक्ष कौन था, वो था HM इरशाद। सार्क का पहला अध्यक्ष कौन था, HM इरशाद। तो हम इसको याद कैसे करें, उस पर आ जाते हैं, एक छोटी सी लाइन फिर बना लेते हैं कि आप सार्क से बच गए, हम बोल रहे हैं आप सार्क से बच गए अध्यक्ष जी इरशाद इरशाद, कि हम एक कमेंट सी मार रहे हैं कि सार्क से भी वो बंदा बच गया, या तो वो फेंक रहा है या झूठ बोल रहा है, जो भी है। तो हम एक छोटी सी लाइन बना लेते हैं कि आप सार्क से बच गए अध्यक्ष जी इरशाद इरशाद, मतलब क्या है कि आप सार्क, मतलब सार्क सम्मेलन को डिनोट करता है, सार्क सार्क को डिनोट करता है, और से बच गए अध्यक्ष अध्यक्ष को डिनोट करता है, और जी इरशाद इरशाद, मतलब इरशाद वहाँ का अध्यक्ष था, जो पहला जो अध्यक्ष था। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि 1857 की विद्रोह के समय में भारत के गवर्नर जनरल थे, ये बहुत ज़्यादा बार आ चुका है क्वेश्चन, तो हमें याद भी हो गया होगा, लेकिन इसमें पूछा गया है तो हम इस वीडियो का पार्ट है कि 1857 की विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे, इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। तो हम याद कैसे करते कर सकते हैं, हम कर लेते हैं दोबारा, कि माई लॉर्ड इस जनरल ने, माई लॉर्ड इस जनरल ने 1857 की क्रांति के समय, माई लॉर्ड इस जनरल ने 1857 की क्रांति के समय क्रांतिकारियों को कैनी में बंद कर दिया था। माई लॉर्ड इस जनरल ने 1857 की क्रांति के समय क्रांतिकारियों को कैनी में बंद कर दिया था। अब देखते हैं, लॉर्ड लॉर्ड को डिनोट करता है, और कैनी मतलब कैनिंग ऐसे कर सकते हैं 1857 की क्रांति के समय, मतलब 1857 की क्रांति के समय ये जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद आता है कि भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो ये ऑप्शन कर लेते हैं क्योंकि ये कंफ्यूजन कर जाता है कई बार ये क्वेश्चन, कि भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन देख लेते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, महान्यायवादी, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति। क्योंकि ये क्वेश्चन में क्या होता है कि इस क्वेश्चन का कई बार बच्चे महान्यायवादी आंसर कर देते हैं, लेकिन इसका आंसर है राष्ट्रपति। भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। तो ऐसे ही याद कर लेते हैं। उसके बाद आता है कैबिनेट मिशन भारत में कब आया, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आया था 1946 में। अब याद कैसे करें उस पर देख लेते हैं थोड़ा सा, कि आज़ादी से जस्ट पहले, आज़ादी कब मिली थी, 1947 में मिली थी, और कैबिनेट मिशन कब आया था, 1946 में आया था। तो आज़ादी से जस्ट पहले कभी मेरा मिशन था नेट का एग्ज़ाम पास करना, ऐसे कर सकते हैं, आज़ादी से जस्ट पहले कभी मेरा मिशन नेट पास करना था। तो मतलब क्या है कभी, और नेट मतलब कैबिनेट, नेट का एग्ज़ाम पास करना था, और मिशन मिशन को डिनोट करता है, और आज़ादी से जस्ट पहले मतलब 47 में आज़ादी मिली थी, तो 1946 की बात है। तो कैबिनेट मिशन कब आया, 1946 में। और ये क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर है पानीपत। ये लेकिन पूछा जा रहा है हरियाणा के जिक्के में, तो ये इस वीडियो का पार्ट है। तो इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर है, पानीपत में। याद कैसे करें आप देख लेते हैं, तो इब्राहिम, तो इसमें से क्या ले सकते हैं, ईब और हिम, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ईब, अब को हम ईब पढ़ लें कि अब ईब हिम से पानी निकल रहा है पत पत कर, ऐसे कर लेते हैं कि ईब हिम से पानी निकल रहा है पत पत कर, लोद पर लोद कर, ऐसे कर लेते हैं, पर लोद कर।
तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? इब्हिम इब्राहिम मतलब इब्हिम इब्राहिम, हम ऐसे कर सकते हैं, इब्हिम से पानी निकल रहा है, मतलब पानी निकल रहा है, हिम से पानी निकल रहा है, वो जो हिम मतलब पर्वत, पानी निकल रहा है पर्वत से, तो पत पत कर लोद प्रलोद कर, तो मतलब हिम पानी और पत देखते तो पानीपत और ईब मतलब हिम मतलब इब्राहिम, ऐसे करके थोड़ा बहुत कोड पद कर सकते हैं। बाकी आपको ये याद भी होगा कि सब जहाँ तक मेरा दिमाग बोल रहा है। उसके बाद आता है कि अपमार्जक किस सिद्धांत पर स्थै को साफ करते हैं, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है कि अपमार्जक अपमार्जक किस सिद्धांत पर स्थै को साफ करते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन क्या रह सकती है कि अपमार्जक क्या होता है? अपमार्जक जैसे कि डिटर्जेंट, डिटर्जेंट क्या करता है कि मैल को साफ करता है, तो वो क्यों करता है? अपमार्जक मतलब आप डिटर्जेंट माने, तो अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट, तो अपमार्जक किस सिद्धांत पर सतह को साफ करते हैं? तो या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अपमार्जक पृष्ठ को किस सिद्धांत पर साफ करता है पृष्ठ को, या ये ऐसे आ सकता है कि अपमार्जक किस सिद्धांत पर सतह को साफ करते हैं। तो हमारा आंसर रहेगा पृष्ठीय तनाव, पृष्ठीय तनाव, या हम इसको पृष्ठीय तनाव को और क्या बोलते हैं, सतही तनाव, पृष्ठ तनाव या पृष्ठीय तनाव भी आंसर हो सकता है, पृष्ठ तनाव भी आ जाता है ऑप्शन में, या सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन से हम याद कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, तो हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं, ये डायरेक्ट ही याद करने का है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है मतलब नेशनल स्टैटिक्स डे, नेशनल स्टैटिक्स डे कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है। उसके बाद आ जाता है जब बहुत अधिक पैसा कुछ ही वस्तुओं का पीछा कर रहा हो, ये तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, वैसे जब बहुत अधिक पैसा कुछ ही वस्तुओं का पीछा कर रहा हो तो यह स्थिति है। तो ये ऐसे क्वेश्चन के लिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ, वैसे मुद्रास्फीति, तो मुद्रास्फीति इसका आंसर है, इसको क्या कहा जाता है मुद्रास्फीति, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई जाएगी। तो क्या है, जब बहुत अधिक पैसा कुछ ही वस्तुओं का पीछा कर रहा है तो यह स्थिति होती है मुद्रास्फीति की, तो मतलब इन्फ्लेक्शन। उसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया था, इनमें से किसने? सोवियत यूनियन ने, संयुक्त राष्ट्र ने, ग्रेट ब्रिटेन ने, जापान ने? तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा सोवियत यूनियन ने, या सोवियत संघ ने भी हम बोल सकते हैं। सबसे पहले एक बात देख लेते हैं कि आर्यभट्ट ही नाम क्यों रखा गया, जो पहला भारतीय उपग्रह था उसका नाम क्या था, आर्यभट्ट, और आर्यभट्ट क्यों रखा गया? तो सबसे पहले एक बात बताए, एक बात है कि जो आर्यभट्ट थे वो आर्यभट्ट एक साइंटिस्ट थे, दूसरी बात वो एक खगोल शास्त्रीय थे, गणितज्ञ थे, और जिन्होंने पाई का मान बिल्कुल सटीक दिया था वो ये साइंटिस्ट थे। और एक चीज़ और आ जाती है इसमें कि बीजगणित का जो इन्होंने प्रयोग किया था, बीजगणित का प्रयोग किया था, और क्या इम्पोर्टेंट है आर्यभट्ट का, हम यदि आर्यभट्ट की बात करें, उपग्रह की बात करें, तो इसका जो वेट था वो 360 kg था, और ये प्रक्षेपण कब कब हुआ था, कब किया गया था, वो 19 अप्रैल 1975 में किया गया था, और 17 साल के बाद ये वापस पृथ्वी पर आया था। तो ये पृथ्वी को पर कब आया वो देख लेते हैं, 17 साल के बाद आया, 11 फरवरी 1992 को ये वापस आया था। तो ये इस वीडियो का पार्ट इतना ही इस वीडियो में। अच्छा, इस वीडियो के माध्यम से यदि आपको जीके याद होने में मदद कर रही हो ये वीडियो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आप बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, ताकि नोटिफिकेशन आती रहे आपको नई वीडियो की सबसे पहले। अच्छा, बहुत दोस्तों, जय हिंद।